हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज के अंदर बच्चों, मैंने आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, नाउ वी आर लर्निंग सी फॉर कैट। आज हम सीखेंगे बच्चों सी फॉर कैट। कैट मीन्स बिल्ली। कैट मीन्स क्या होता है बच्चों? बिल्ली। यू लुक, दिस इज कैट। ये क्या है बच्चों? कैट है। ये कैट के आईज है, नोज है, ईयर्स है, हैंड एंड ये पीछे जो है इसकी टेल है, ये है कैट। सी फॉर कैट। कैट मीन्स बिल्ली। तो आज हम कौन सा लेटर सीखेंगे बच्चों? शी। सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। कैट मीन्स बिल्ली। शी फॉर कैट। कैट मीन्स बिल्ली। लिखिए बच्चों, पहले आप सी लिखिए। ए फॉर एप्पल से लगा के बी फॉर बॉय, बॉल तक आपने लर्न कर दिए। अभी हम सीख रहे हैं शी फॉर कैट। क्या सीखेंगे? सी फॉर कैट। ओके, सबसे पहले लिखे बच्चों सी। सी स्टार्टिंग की थ्री लाइन्स में लिखा जाएगा। ये क्या है बच्चों? सी। कौन सा लेटर है ये? सी। सी फॉर कैट। लिखा सी, ये आपका शी। लिखिए सी। लिखिए स्टार्टिंग थ्री लाइन्स में सी लिखा जाता है। दिस इज योर सी लेटर। ये लेटर सी है आपका। ये आपका शी। लुक एंड राइट इन योर नोटबुक। देखिए और लिखिए अपनी कॉपी में। ओके, ये कौन सा लेटर है बच्चों? सी। कौन सा लेटर है? सी। अब ए जो है इसके पांच बिल्कुल सेकेंड बॉक्स में आपको ए लिखेंगे। सेकेंड बॉक्स में क्या लिखना है? ए। लिखिए, ए भी थ्री लाइन्स में लिखा जाएगा। वन टू थ्री, दिस इज फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, सेकेंड स्ट्रेट लाइन एंड स्लिपिंग लाइन। ये क्या है? ए। ये था सी ए। इसमें भी ए बनाइए। वन पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड स्लिपिंग लाइन। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये स्लिपिंग लाइन। ये आपका पॉइंट, ये टू अंडर टू पॉइंट्स, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये आपका ए हो गया। बनिए बच्चों, ये बनाइए। ये फॉर एप्पल बनाइए। ये आपका सी और ये ए। ये था सी था और ये आपका ए है। सी ए। अब हम बनाएंगे टी। कौन सा लेटर बनाएंगे? टी। सी ए टी। सी ए टी बने। टी बने बच्चों। टी सो सिंपल। पहले स्ट्रेट लाइन बनानी है थ्री लाइन्स में और फिर स्लिपिंग लाइन बनानी है। ये आपकी स्ट्रेट लाइन, ये आपकी स्लिपिंग लाइन। ये आपकी स्ट्रेट लाइन फर्स्ट,
और ये आपकी स्लीपिंग लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्ट्रेट, स्लीपिंग, स्ट्रेट एंड स्लीपिंग, स्ट्रेट, स्लीपिंग, स्ट्रेट, स्लीपिंग। ये क्या हो गया? C A T, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। ये आपका था C और ये था A और ये थी T। तो ये क्या हो गई? C A T, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। कैट मीन्स बिल्ली। कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। सेकेंड थ्री बॉक्स एम्प्टी है, खाली है, इसमें भी वापस सी लिख लीजिए। C A T, कैट मीन्स बिल्ली। इसमें भी लिखे, ये आपका 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट। सी लिखने के लिए आप पहले पॉइंट भी बना सकते हो, फिर इन दोनों पॉइंट को टच करोगे तो ये आपका सी लेटर बनेगा। 1, 2, ये हो गया सी। ये 1, 2, सी। ये आपका 1, ये 2, ये हो गया सी। ये 1, 2, सी। 1, 2, ये है सी। सी फॉर क्या होता है? कैट। अभी लिखा रहा हूँ ना, टू बॉक्स में कैट लिखेंगे। 1 बॉक्स में कैट हो गया, सेकंड बॉक्स में भी कैट लिखिए। C A T, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। सेकंड बॉक्स में ए लिखिए। ये 1 पॉइंट, सेकंड लाइन में 9 पॉइंट, थर्ड लाइन में 2 पॉइंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये आपके पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। अब मैच कीजिए। ये हो गया ए, ये कौन सा लेटर बना बच्चों? कैट वाला। ये आपका C A T, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। कैट मीन्स क्या होगा? बिल्ली। राइट इन योर नोटबुक। नोटबुक में लिखे बच्चों, ये C A, और अब लिखेंगे T। टी फॉर टी लिखे। टी कैसे लिखना है? पहले स्ट्रेट लाइन, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये आपकी स्लिपिंग लाइन। ये हो गए C A T। लिखिए बच्चों। C A T, कैट लिखिए।
ये क्या हो गया टी, ये हो गया सी ए टी कैट। तो बच्चों ये आपका था सी, ये ए और ये टी, सी ए टी कैट, सी ए टी कैट, कैट मीन्स बिल्ली। अभी पूरे पेज पे आप कैट की स्पेलिंग लिखिए और इसको लर्न कीजिए। लिखिए बच्चों, राइट स्पेलिंग ऑफ कैट इन योर नोटबुक। सी सी पी थ्री लाइन्स में, 1 2 3, ए पी थ्री लाइन्स में, टी पी थ्री लाइन्स में। तो सी ए टी सी ए टी सी ए टी सी ए टी कैट, कैट मीन्स बिल्ली। दिस इज पिक्चर ऑफ कैट, ये आपके कैट की पिक्चर है, कैट मीन्स बिल्ली। तो लर्न कीजिए बच्चों। तो इस प्रकार से आपने शी फॉर कैट सीखा। तो अभी आपने कितने लेटर्स की स्पेलिंग सीखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने एप्पल की स्पेलिंग भी सीख ली है, ए ए डबल पी एल ई एप्पल, एप्पल मीन्स ए सेव। ये आप अपनी कॉपी में पूरे पेज का वर्क आपने अपनी कॉपी में कर लिया है। तो ये एप्पल की स्पेलिंग वापस लर्न कीजिए, ए डबल पी एल ई एप्पल मीन्स सेव, और दिस इज पिक्चर ऑफ एप्पल, ये एप्पल का पिक्चर है। बच्चों ये वर्क आप अपनी कॉपी में कर चुके हो, और जिस बच्चे ने नहीं किया ये वर्क अपनी कॉपी में कीजिए। उसके बाद में आपने सीखा है बी ए डबल एल बॉल, बॉल मीन्स गेंद। उसके बाद में आपने सीखा था बच्चों बी ए डबल एल बॉल, बॉल मीन्स गेंद। तो लिखिए ये बॉल की स्पेलिंग आप अपने कॉपी में बनाइए बच्चों, और पूरी स्पेलिंग को कॉपी में लिख के फिर इसको लर्न करना है। बी बी ए डबल एल बॉल मीन्स गेंद, बी ए डबल एल बॉल मीन्स गेंद। लिखिए इसको कॉपी में, फॉलाइन की नोटबुक यूज कीजिए। इसमें देखो मैंने आपके फॉलाइन की नोटबुक यूज की है, ये आपके फॉलाइन है, ये वन लाइन टू लाइन थ्री लाइन फॉलाइन। ये डार्क में जो है स्टार्टिंग की वन एंड टू है, और बीच में लाइट कलर है, लेकिन ये फोर लाइन है, वन टू थ्री एंड फोर, ये फोर लाइन है। आपको जितने भी लेटर्स है वन टू एंड थ्री लाइन्स में लिखने हैं। लिखिए। और बच्चों अभी जो आपने लेटर सीखा है वो सीखा है सी ए टी कैट, कैट मीन्स बिल्ली। ये देखिए आपका सी ए ए और ए टी, सी ए टी कैट, कैट मीन्स सी जो है ना थ्री लाइन्स में लिखना है, वन लाइन टू लाइन थ्री लाइन्स की, ए भी थ्री लाइन्स में और टी भी थ्री लाइन्स है, सी ए टी कैट, सी ए टी कैट, कैट मीन्स बिल्ली। लिखिए इसको अपनी कॉपी में लिखिए बच्चों, और इसको लर्न कीजिए। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ए से लगा के सी तक थ्री स्पेलिंग लर्न की है, एप्पल बॉल एंड कैट की। स्पेलिंग की हैंड राइटिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। फॉर लाइन की कॉपी यूज कीजिए बच्चों, जब आप फॉलाइन की कॉपी यूज करोगे तभी आपकी राइटिंग जो है अच्छी आएगी। तो इस प्रकार से बच्चों आपने जो लेटर्स राइटिंग जो हैं अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, अब आप स्पेलिंग लर्न करना सीख रहे। तो इस प्रकार से आपने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एंड सी फॉर कैट, ये थ्री स्पेलिंग आपने लर्न किए। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की नोटबुक चेक करें, उनको व्यवस्थित ढंग से कार्य करने को बोले। बच्चे जो भी वीडियोस के थ्रू वर्क मिल रहा है वो वर्क जो है आप अपनी नोटबुक में 101% करें। कोई भी बच्चा जो है वर्क को मिस नहीं करेगा, सबको नोटबुक बनानी है और सबको नोटबुक में काम करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, स्टे इन होम, लिव हैप्पी, लिव हेल्थी, डू योर वर्क।